हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं पर्यावरणीय अध्ययन का महत्व, एकीकृत पर्यावरण अध्ययन। तो यहाँ पे हम तैयारी कर रहे हैं यूपीटीटी, सीटीटी, केवीएस, एनवीएस, डीएसएसबी, एचटेट, आरटेट और ऐसे ही सभी राज्यों के टीटी प्रश्न पत्रों की। अगर आप भी इनकी तैयारी कर रहे हैं और एक लर्निंग एस्पिरेंट है और पढ़ने में आपको भी क्रेज है, तो चैनल सब्सक्राइब करके हमें ज़रूर बताएं। जिन्होंने ऑलरेडी कर लिया है उन्हें दिल से शुक्रिया। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को करनी है पॉज, क्वेश्चन को मन में रीड कर लेना है और फिर वीडियो को चलाना है। पहला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से एक पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। जब भी पूछे क्या चीज़ नहीं है, तो नहीं पे आप अंडरलाइन कर लें पहले। यहाँ पे क्या नहीं है, तो पर्यावरण से संबंधित ज्ञान या प्रदूषण की समस्या, सामाजिक चेतना या फिर जनसंख्या नियंत्रण। तो देखिए, सामाजिक चेतना जो है वो पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं है। सी ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे इस क्वेश्चन के हिसाब से एकदम सही है। शिक्षा के विभिन्न प्रदूषण तथा उसकी समस्याओं से परिचित करवाती है और यह जो है जनसंख्या वृद्धि को रोकने में सहायक भूमिका निभाती है। पर्यावरण शिक्षा जो है वो सामाजिक, प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक वातावरण का ज्ञान करवाती है। यानी पर्यावरण से हमें संबंधित ज्ञान मिल जाता है, प्रदूषण की समस्या का ज्ञान भी मिल जाएगा, जनसंख्या नियंत्रण के बारे में भी इससे हमें सहायता मिल जाएगी, लेकिन सामाजिक चेतना के बारे में, सामाजिक जन जागृति के बारे में हमें इससे कोई भी सहायता नहीं मिलती। या फिर हम कह सकते हैं कि ये हमारा मेन जो पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे एकदम सही है, सामाजिक चेतना। अगला क्वेश्चन हमारा है, पर्यावरण अध्ययन है तो भाई पर्यावरण अध्ययन क्या है? तो पर्यावरण अध्ययन जो है वो प्राकृतिक एवं मानव निर्मित पर्यावरण और इन दोनों के मध्य होने वाली अंतःक्रियाओं का अध्ययन है। आपका ए उत्तर ही एकदम अप्रोप्रिएट है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन हमारा है, पर्यावरण शिक्षा से क्या लाभ है? तो भाई देखिए, पर्यावरण शिक्षा वह शिक्षा प्रणाली है जो पर्यावरण के माध्यम से पर्यावरण से संबंधित और पर्यावरण के लिए प्रदान की जाती है, और पर्यावरण शिक्षा से पर्यावरण के महत्व का ज्ञान भी जो है वो प्राप्त होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो पर्यावरण प्रदूषण के कारणों की जानकारी तथा पर्यावरण के प्रदूषण के प्रभाव से बचने के उपाय जो वो ज्ञात किए जाते हैं। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन डी है वो एकदम अप्रोप्रिएट है, यानी कि पर्यावरण महत्व का ज्ञान ए ऑप्शन भी सही है, पर्यावरण प्रदूषण के कारणों की जानकारी बी ऑप्शन भी सही है, और प्रदूषण के प्रभाव से बचने के उपाय भी ज्ञात होते हैं। तो उपरोक्त सभी यानी डी ऑप्शन आपका एकदम अप्रोप्रिएट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, छात्रों को पर्यावरण अध्ययन की सभी शाखाओं को एक साथ पढ़ने हेतु निम्न में से कौन सा उपागम जो है वो श्रेष्ठ है? तो यहाँ पे सबसे उपयुक्त उपागम पूछा है। तो देखिए, चक्राकार उपागम दिया गया है, अध्यापक केंद्रित उपागम दिया है, एकीकृत उपागम और स्व अनुदेशन उपागम। तो बात अगर हम करें छात्रों को पर्यावरण अध्ययन की सभी शाखाओं को एक साथ पढ़ाने हेतु, एकीकृत उपागम जो है वो सर्वश्रेष्ठ होता है। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में एकीकृत उपागम का प्रयोग करने का आधार यही है कि इस विषय के अन्य विषय के अन्य उप विषय जो होते हैं, यानी कि जो आपके सब टॉपिक्स आप कह सकते हैं कि, या फिर सब सब्जेक्ट्स जो होते हैं आपके, डिफरेंट सब्जेक्ट्स जो होते हैं, भूगोल हो गया, भौतिक विज्ञान हो गया, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, पारिस्थितिकी आदि, आपस में ये सारे क्या हैं, डे टू डे लाइफ से हमारे जुड़े हुए हैं, और इसीलिए शिक्षक इनकी पाठ्यचर्याओं के मध्य जो है वो संबंध जोड़ सकते हैं। बोलते ना, डे टू डे लाइफ से रिलेटेड जो चीज़ें हैं अगर उनको बताई जाती हैं तो वो जल्दी कंक्लूजन जो है वो निकाल पाते हैं। इसलिए आपको जो सी ऑप्शन है, एकीकृत उपागम जो हमें अपनाना चाहिए। अगला क्वेश्चन हमारा है, प्राथमिक स्तर पर विज्ञान व सामाजिक विज्ञान को एक ही विषय पर्यावरण अध्ययन के तहत पढ़ाया जाता है, तो यह है विज्ञान शिक्षण का क्या, अध्यापक केंद्रित उपागम या अनुशासनिक उपागम या फिर एकीकृत उपागम या सामान्य उपागम? देखिए, अगेन द सेम क्वेश्चन दे आवास, बट द वे इज डिफरेंट। प्राथमिक स्तर पर विज्ञान व सामाजिक विज्ञान दोनों को ही एक ही विषय पर्यावरण अध्ययन के तहत पढ़ाया जाता है, और यह विज्ञान जो शिक्षण है एकीकृत उपागम है। डे टू डे लाइफ से हमें रिलेट करना है चीज़ों को, तब वो ज़्यादा बेहतर तरीके से उसे समझ पाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के अनुभवों को महत्व देना चाहिए, क्यों? तो देखिए, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अगर विषयों को बच्चों के अनुभवों से जोड़ने पर उनमें सीखने की प्रक्रिया जो है उनको बढ़ावा मिलता है। डे टू डे लाइफ से अगर रिलेटेड चीज़ें अगर बच्चों को बताई जाती हैं तो वो उसे ज़्यादा अच्छे तरीके से जोड़ पाते हैं और उसे अच्छे तरीके से सीख पाते हैं। फिर अगला क्वेश्चन हमारा है, पर्यावरण अध्ययन में विषय वस्तु यानी कि थीम आधारित उपागम को अपनाने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा तर्क जो है वो सबसे अधिक सशक्त है? तो देखिए, पर्यावरण अध्ययन जो है एनवायरमेंटल स्टडीज में विषय वस्तु यानी कि थीम आधारित जो उपागम है उसको अपनाने के समर्थन में सर्वाधिक सशक्त तर्क यही हो सकता है कि यह विषय सीमाओं को नरम यानी कि सौम्य बनाने और संपूर्णता में ज्ञान को प्राप्त करने में मदद करता है। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे एकदम सही है।
अगला क्वेश्चन हमारा है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में विद्यार्थियों में खोज से संबंधित दक्षताओं का विकास करने हेतु एक शिक्षक में निम्न में से किसका चुनाव करेगा? तो देखिए, पाठ वस्तु को निर्धारित करने में समय जो पूरा करेगा वो, या फिर ऐसी पाठ्य वस्तु जिसे अधिकांश विद्यार्थी पसंद करते हैं ऐसा, या फिर ऐसी पाठ्य वस्तु जो विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण हो, या फिर ऐसे पाठ्य वस्तु जो विद्यार्थियों के दैनिक जीवन से जुड़ी समस्या हो। तो यहाँ पे ऐसी पाठ्य पुस्तक जो कि विद्यार्थियों के दैनिक जीवन से जुड़ी समस्याओं का हल निकाल सके। भैया जो भी डे टू डे लाइफ से रिलेटेड चीज़ें हैं उससे अगर हम रिलेट करते हैं चीज़ों को तो वो काफ़ी अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में विद्यार्थियों में खोज से संबंधित जो भी दक्षताएं हैं उनका विकास करने हेतु एक शिक्षक को ऐसी समस्या का चुनाव करना चाहिए जो विद्यार्थियों के दैनिक जीवन से डे टू डे लाइफ से रिलेटेड होनी चाहिए, जुड़ी होनी चाहिए। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे एकदम अप्रोप्रिएट है। अगला क्वेश्चन हमारा है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा होनी चाहिए तो पर्यावरण अध्ययन की कक्षा कैसी होनी चाहिए? तो देखिए, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा जो है वो गतिविधि आधारित होनी चाहिए, यानी एक्टिविटी बेस्ड होनी चाहिए, ताकि छात्रों में पर्यावरण के प्रति जो है चेतना जागृत हो सके और छात्र उसे अपने वास्तविक जीवन से जोड़ सकें। तो देखिए, सी ऑप्शन आपका यहाँ पे नहीं, ए ऑप्शन, गतिविधि आधारित होनी चाहिए। पाठ्य पुस्तक में सिर्फ दी गई गतिविधियों पर आधारित नहीं होनी चाहिए, गतिविधि आधारित ये शिक्षक के द्वारा भी गतिविधियाँ जो है वो बनाई जा सकती हैं और करिकुलम बेस्ड भी हो सकती हैं। तो दोनों भी, आउटर एंड इनर दोनों भी करिकुलम से हम इसे बना सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि पाठ्य पुस्तक में जो भी चीज़ें दी गई हैं बस उसी से रिलेटेड उन्हें सिखाना है। अगला क्वेश्चन हमारा है, बच्चों में सामाजिक भावना, यहाँ पे आपका ए ऑप्शन गतिविधि आधारित कक्षा यही एकदम सही होगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, बच्चों में सामाजिक भावना का विकास करने के लिए निम्न में से कौन सा प्रयास जो है वो सर्वोत्तम है? देखिए, स्वास्थ्य स्पर्धा का माहौल तैयार करके बच्चों में सामाजिक भावना का विकास जो है वो सर्वोत्तम ढंग से किया जा सकता है। स्वस्थ स्पर्धा के लिए, सॉरी मैंने स्वास्थ्य से रीड किया था, बच्चों को स्वस्थ स्पर्धा के लिए तैयार करना और इसी से जो है वो सामाजिक भावना का विकास जो है वो सर्वोत्तम ढंग से किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य निरूपित है? तो देखिए, प्राथमिक विद्यालय में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य जो है वो बच्चों को बाहरी दुनिया से जोड़ना तथा बाहरी दुनिया के सामाजिक ज्ञान को जोड़ना होता है। तो यहाँ पे आपका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा आपका ये, विद्यालय में बच्चों के अनुभवों को बाहरी दुनिया से जोड़ना, यानी डे टू डे लाइफ से रिलेटेड चीज़ें। आपका पूरा ईवीएस जो है वो इसी चीज़ पे बेस्ड है कि बच्चों को हम कैसे डे टू डे लाइफ से उनकी रिलेटेड चीज़ें जो वो डे टू डे लाइफ में रोज करते हैं उससे कैसे रिलेट करके हम पढ़ा पा रहे हैं, यही उनको सबसे ज़्यादा ज्ञान दे पाता है पर्यावरण में। तो आज की वीडियो में गाइज बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।